देश में एक तानाशाह 10 साल राज कर रहा है, जिसको हमने डेमोक्रेटिक तरीके से चुन कर दिया था, तानाशाह बन गया। हम 4 बनाएंगे, 1 साल में 2 बनाएंगे, लेकिन देश हम तानाशाही के तरफ नहीं जाने देंगे। इंडिया अलायंस ब्लॉक है वो 3-डिजिट नंबर पे भी नहीं पहुंच पाएगा, देख लेंगे 4 जून को देख लेंगे। और उनका कहना है कि इनका प्लान ये है कि हर साल एक नया प्राइम मिनिस्टर दे। देखिए, एक हुकुमशाह होने से अच्छा है, इस देश में एक तानाशाह 10 साल राज कर रहा है, एक तानाशाह जिसको हमने डेमोक्रेटिक तरीके से चुन कर दिया था, तानाशाह बन गया, उससे अच्छा है कि ये एक मिलीजुली सरकार यहाँ बने, देश चलाए। और हम किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है हमारी मर्जी है, हम 4 बनाएंगे, 1 साल में 2 बनाएंगे, लेकिन देश हम तानाशाही के तरफ नहीं जाने देंगे। 2 फेज का इलेक्शन हो चुका है, 48 सीटों, 2 फेज में मोदी जी हार रहे हैं। आगे क्या उम्मीद है, 48 सीट में क्या उम्मीद कर सकते हैं? शिवसेना यूबीडी कितना, जब 4 जून को ईवीएम खुलेगी तो आपको पता चलेगा इंडिया अलायंस 300 पार कर रही है।